हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल। मैं शालिनी सिंह, आपकी हिंदी टीचर, आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट एक, जिसका नाम था भाषा, उसके अभ्यास प्रश्नों को हल किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम पार्ट दो, जो आपको पहले से ही पढ़ा दिया गया है, जिसका नाम है वर्ण विचार, उसके अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। और इन अभ्यास प्रश्नों को आपको अपने कॉपी पर लिखना है और उसे लिख कर लर्न करना है। तो आइए देखते हैं कि ये प्रश्न क्या क्या हैं। तो पहला प्रश्न है, स्वर और व्यंजन की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर है, स्वर ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, और व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न दो, उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसका उत्तर है, उच्चारण के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतस्थ और उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, जीभ, तालु के आंतरिक संयोग से होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और उष्म व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में घर्षण द्वारा उष्मा उत्पन्न होती है उन्हें हम उष्म व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न चार, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग वाले दो दो शब्दों को लिखिए। तो यहाँ हमने लिखा है अनुस्वार वाले शब्दों को। अनुस्वार वाले शब्द कौन कौन से हैं? अंगूर और पंख। अनुनासिक वाले शब्द हंस और बांसुरी। और विसर्ग वाले शब्द प्रातः और अतः। प्रश्न पाँच, र के तीनों रूपों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है लिखिए। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले हम रेफ र को देखेंगे। र के इस रूप को रेफ र कहते हैं। इसका प्रयोग र के स्वर रहित होने पर किया जाता है। इस स्थिति में यह अपने अगले वर्ण के ऊपर लग जाता है। दूसरा है पदेन र। जब र वर्ण किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तब उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र के पदेन रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्राण, क्रम आदि। तीसरा है स्वर रहित ट और ड के साथ र के इस रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे राष्ट्र, ट्रेन और ड्रम। इन्हीं पांचों प्रश्नों के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और आपके अभ्यास प्रश्न भी समाप्त होते हैं। इन प्रश्नों को आप अपने कॉपी पर लिखिए और इसे लर्न कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।